आसपास के लोग भी उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। कई बार गतिविधियाँ तो हमारे आसपास होती हैं आतंकवादी, और उनका लेन देन भी होता है, लोगों की आवाजाही भी होती है, जिस प्रकार पिछले दिनों भी मदरसों से हथियार प्राप्त हुए। उन चीज़ों तलक को भी कैप्चर करने के लिए अब एक सबसे महा CCTV कैमरा लगा दिया जाएगा, जो कि आपके ऊपर पूरी अच्छे तरीके से नज़र रख सकता है। नमस्ते दोस्तों, चंद्रयान 2 की सफलता के बाद में इस पूरी टीम के जो लीडर हैं डॉक्टर के सिवन, उन्होंने कहा है कि अभी हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी जो अगला हमारा टारगेट है वो है अक्टूबर सन 2019 को भारत एक और विश्व कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, जिससे हमारे देश की सुरक्षा और अधिक विश्वसनीय होने वाली है और अधिक पुख्ता होने वाली है। अक्टूबर में कार्टोसैट 3 नाम का एक उपग्रह छोड़ा जाएगा दोस्तों, जिसमें कि अभी तक के जितने भी विश्व के जितने भी सैटेलाइट छोड़े गए हैं उनमें से सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन के कैमरास लगे होंगे, जो कि आपके हाथ की घड़ी में कितना टाइम अभी हो रहा है उसको भी देख करके फोटोज़ ले करके हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को भेज सकता है। अर्थात इसकी जो पावर होगी वो इतनी होगी कि वो 1 फीट से भी कम दूरी से आपका चित्र ले सकता है, आपके हाथ में क्या है, कहाँ पर क्या ढांचागत परिवर्तन हो रहा है, हमारी सीमाओं पर क्या क्या अभी गतिविधियाँ चल रही हैं, कहाँ पर घुसपैठ हो रही है, कहाँ पर इल्लीगल मस्जिदें बन रही हैं, कहाँ पर इल्लीगल स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, देश में कहीं पर भी कुछ भी हो, यह कार्टोसैट 3 उन सब के पिक्चर्स ले सकता है। मैंने मस्जिद का जिक्र इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि हरियाणा के रोहतक में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, पाकिस्तान द्वारा फंडेड एक बहुत विशाल मस्जिद बनाती हुई पकड़ी गई थी, जिसमें कि हाफिज सईद का पैसा सीधे तौर पर लगा हुआ था। आज की अगर हम बात करें, आज लोकसभा में एक बिल भी पास किया गया है जिसको कहते हैं UAPA। यह गैर कानूनी जितनी भी गतिविधियां होंगी उनको रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इस कानून के तहत भी देश के NIA को बहुत ज़्यादा बल मिलने वाला है, और जिससे कि भारतवर्ष में जितना भी अर्बन नक्सलिज्म पैदा हो रहा है उसके ऊपर भी नकेल कसी जाएगी। इस विधेयक के अनुसार जो कानून बनाया जाएगा उसमें सरकार हो या देश के अंदर जितनी भी गैर कानूनी और देश विरोधी ताकतें हैं और देश विरोधी जितनी भी गतिविधियां हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से नकेल कसने का कार्य किया जा सकेगा। आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें बताई भी हैं, जिसको कि आप लोकसभा TV पर जाकर के डायरेक्ट देख भी सकते हैं। हालांकि कुछ कानूनविदों का ये भी मानना है कि इसमें आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया जा रहा है। कुछ कानूनविदों का ये भी मानना है कि जिस प्रकार से सरकार RTI को पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही है, दूसरी तरफ जो UAPA लेकर के आ रही है, इन दोनों की साठ गांठ से सरकार देश में अपने विरोधियों को ख़त्म करने का कार्य भी कर सकती है। लेकिन अगर हम इस पूरे के पूरे परसेप्शन से बाहर निकल करके देखें कि NIA एक तरफ ये और कार्टोसेट 3 जिसको कि लॉन्च करने जा रहा है भारत अक्टूबर में, इन दोनों के तहत भारत की जो सुरक्षा है वो और ज़्यादा पुख्ता हो सकती है। अभी हम बात कर रहे थे कार्टोसेट 3 की। कार्टोसेट 3 के बारे में और अधिक ऐसी बातें जो आप लोगों को जाननी चाहिए, जाननी बेहद आवश्यक है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर इसमें मोटे मोटी बात समझी जाए तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली में 15 लाख CCTV कैमरास लगवाएंगे, तो वो तो वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन केंद्र की सरकार इसी बात को सीरियसली लेकर के उन सभी कैमरास का पैसा इकट्ठा करके एक कार्टोसेट 3 बनाने की जुगत में है, ऐसा मैं सोच सकता हूँ और कह सकता हूँ। यह कार्टोसेट 3 जो है ये आपके पूरे देश में जहाँ पर भी इसकी नज़र होगी, वहाँ के पूरे क्षेत्र में कोई भी आपदा हो, कहीं पर भी कोई भी ऐसी गतिविधि जिस पर के सरकार नज़र रखना चाहती है या रख सकती है, या फिर वो जो रिकॉर्ड हो गई है और वो खंगालना चाहे, जिस प्रकार से हम CCTV खंगालते हैं
उस तक को भी वहां से कैप्चर किया जा सकता है। दूसरी चीज के देश के किसी भी कोने में कोई भी आपदा आ जाए तो वो भी आपके कैमरे में कैप्चर हो सकती है। इसकी जो पावर है वो 9.84 इंच है, यानी कि आपके सिर से एक फुट से थोड़ा सा नीचे, यानी कि एक फुट से भी कम डिस्टेंस से ये आपका फोटो ले सकती है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आतंकवादी गतिविधियाँ। हमारे देश में आए दिन जो NIA छापे मारती है उसमें हम देखते हैं कि आसपास के लोग भी उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। कई बार गतिविधियाँ तो हमारे आसपास होती हैं आतंकवादी, और उनका लेन देन भी होता है, लोगों की आवाजाही भी होती है, जिस प्रकार पिछले दिनों भी मदरसों से हथियार प्राप्त हुए, उन चीज़ों तलक को भी कैप्चर करने के लिए अब एक सबसे महा CCTV कैमरा लगा दिया जाएगा, जो कि आपके ऊपर पूरी अच्छे तरीके से नज़र रख सकता है। जो कि अपने देश से प्रेम करते हैं और जो साधारण गतिविधियों में रहते हैं उनको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा परमाणु बम होगा उन लोगों के ऊपर जो शातिराना दिमाग रखते हैं और जो उल जुलूल हरकतें देश के खिलाफ करते रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि यह उन इंटीरियर इलाकों में भी कैमरे का काम करेगा जहां पर कोई अरविंद केजरीवाल खड़ा हुआ नहीं है CCTV कैमरास लगवाने के लिए, क्योंकि अधिकतर ऐसे जितने भी गैरकानूनी काम होते हैं वो कहीं खंडरों में होते हैं, किसी जंगल में होते हैं, इंटीरियर स्पेस में होते हैं। इसके अलावा अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म को भी यह पूरी तरीके से रोकने में कामयाब हो सकेगा। अब बात करते हैं कि इससे बेहतर और कौन से सैटेलाइट्स हैं या हो सकते हैं। दोस्तों अभी तक का सबसे बेहतर सैटेलाइट होने वाला है CARTOSAT-3। इससे पहले अमेरिका के कुछ सैटेलाइट हैं जिनको कि वहाँ की निजी कंपनियों ने बनाया है, और वो जो सैटेलाइट हैं वो अमेरिका की निजी कंपनी डिजिटल ग्लोब का GEO-I-1 सैटेलाइट है, जो दोस्तों 16.14 इंच तक के पिक्चर्स ले सकता है। इसी में ही अमेरिका का एक और सैटेलाइट आता है वर्ल्ड व्यू 2, वो 18.11 इंच तक के फोटोग्राफ्स आपके ले सकता है और भेज सकता है। यानी कि भारत अभी तक का सबसे एडवांस सैटेलाइट भेजने वाला है, और यह अभी जो CARTOSAT-3 है यह इससे पहले भी तकरीबन 9 सैटेलाइट ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं, जिसमें कि 2005 में सबसे पहला भेजा गया था, उसके बाद में 2007 में, 8 में और 10 में भेजा गया था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद में 2016 में भेजा गया था, 2017 में भेजा गया था, और 18 में भी भेजा गया था, और अब ये तैयारी है 19 की। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमारा देश और ज़्यादा सुरक्षित होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया था NIA की जो मजबूती है, और UAPA यह भी पूरे देश में एक बहुत बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों यह भी नरेंद्र मोदी सरकार ने एक संशोधन के साथ में पास कराने की कोशिश की है। इससे पहले यह इंदिरा गांधी की सरकार में पहले ही आ चुका था, उन्होंने भी इसी नियम को लागू करने के लिए बहुत सारे जुगत लड़ाई थी, ताकि देश के अंदर जितने भी ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको डेमोलिश किया जा सके। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सरकारों से हट करके, सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की UPA सरकार ने भी इसको लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका सीधा टारगेट मैं आपको बता दूँ वो था संघ RSS और भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी जितने भी लोग हैं, उन सब के जितने भी कैडर्स हैं, इन सब को देश विरोधी ताकतें बता करके, इनको टेररिज्म में लिप्त बता करके इन सब को पूरी तरीके से डेमोलिश कर दिया जाए, यह पूरी तरीके से तैयारी थी। अभी नरेंद्र मोदी ने यह विधेयक पास करवाया है। इसके बाद में देखा जाए कि जितना भी अर्बन नक्सलिज्म है, जितने भी भारत को तोड़ों की राजनीति कर रहे हैं, जितने भी इसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, जितने भी अफजल गैंग के लोग हैं, जितने भी कैंडल मार्च वाले लोग हैं, या फिर जितने भी देश विरोधी ताकतों में और नरेंद्र मोदी को ख़त्म करने के लिए पिछले दिनों जिन लोगों ने आपस में लेटर्स भी लिखे थे, जिन लोगों ने मुंबई में दंगे कराए थे, जिन लोगों ने इन लिंचिंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया हुआ है,
इन लोगों के खिलाफ उसका यूज़ होता है या फिर इसका प्रयोग सरकारी तंत्र के तहत ही होता है अपने विरोधियों अपने विपक्षियों को ख़त्म करने के लिए, यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल जो देखने में आ रहा है वो यही है कि देश की सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है, जो कि काबिले तारीफ है और इसकी तारीफ होनी ही चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो था आज का कार्टोसेट 3 और UAPA NIA की मजबूती के ऊपर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको लगता है कि इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसी तरीके से और भी हमारा देश तरक्की करता रहे और वो सब जानकारियां आप लोगों तक सटीक पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें। सत्य सनातन आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सबके साथ में शेयर करते हुए सब्सक्राइब करें और कराएं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।